नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं पूजा यादव और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। कोरोना वायरस के चलते माता वैष्णो देवी की यात्रा पर बुधवार से लगा प्रतिबंध। लद्दाख में तैनात सेना का जवान पाया गया कोरोना पॉजिटिव, टुकड़ी में तैनात अन्य जवानों पर निगरानी। हरियाणा में 31 मार्च तक बंद रहेंगी आंगनवाड़ी, पर ड्यूटी देंगे वर्कर्स हेल्पर्स, घर घर फैलाएंगे जागरूकता। कुरुक्षेत्र में मिले कोरोना के 2 संदिग्ध, आइसोलेशन वार्ड में भर्ती, ब्रह्म सरोवर किया गया सील। कोरोना के डर से पंजाब सरकार छोड़ सकती है 5,800 कैदियों को, जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने भेजा प्रस्ताव। लुधियाना में कोरोना वायरस के 167 संदिग्ध मरीज हुए लापता, पुलिस ढूंढने में जुटी। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस से चलते श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा आज से बंद कर दी गई है। वहीं जम्मू कश्मीर से आने और जाने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय बसों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारतीय सेना के एक जवान में कोरोना वायरस का मामला सामने आया है। जवान लद्दाख स्काउट का है। जवान के पिता हाल ही में ईरान से लौटे थे, वह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जवान का इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस के 2 संदिग्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पाए गए हैं। मरीजों के बारे में मिली जानकारी और उनमें वायरस के लक्षण देख स्वास्थ्य विभाग ने दोनों संदिग्धों को आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर लिया। डॉक्टर ने दोनों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने आदेश जारी करके 31 मार्च तक सभी आंगनवाड़ी बंद करने को कहा है। देश में फैल रहे कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। पंजाब के लुधियाना में कोरोना के 167 संदिग्ध मरीज के लापता होने से हड़कंप मच गया है। शहर में बड़ी तादाद में कोरोना संदिग्धों के गायब होने से प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए हैं। बताया जा रहा है कि लापता अन्य 29 संदिग्धों के बारे में पता चल गया है, लेकिन 167 कोरोना संदिग्ध की कोई खबर नहीं है। पंजाब सरकार 5,800 कैदियों को रिहा करेगी। प्रदेश के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक बयान में यह बात कही। उन्होंने बताया कि मैंने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में उन्होंने प्रदेश के जेल में कैद करीब 5,800 कैदियों को रिहा करने की सिफारिश की है। अब तक के लिए इतना ही। फिर लौटूंगी आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए अर्थप्रकाश टीवी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।